तो Amazon Prime Day Sale 2022 लाइव है और यहाँ पे आपको चाहिए था एक लाइट वेट थिन एंड लाइट लैपटॉप जो कि आप लोग आपके ऑफिस में यूज़ करोगे या फिर आप मल्टीपर्पज उसको यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो परफेक्ट है। यहाँ पे मैं बात करूँगा 30,000 से लेकर 150,000 प्लस यहाँ पे बजट आपका है तो यहाँ पे क्या लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट होगा तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे फ्रेश अपडेट्स। एक रिक्वेस्ट है यार, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ मैं अमेजिंग डील्स वगैरह शेयर करता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सेल में जो भी लूट ऑफर्स वगैरह आती है झटपट वहीं पे पोस्ट होता है और वहाँ से आप लोग कुछ ही टाइम के लिए वो रहता है तो वो आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हो। फर्स्ट जो लैपटॉप लिस्ट में है वो Acer 114 जो कि Ryzen 3 3250U के साथ आता है और यहाँ पे 8GB का रैम और 256GB की SSD मिलती है। विंडोज 11 होम आपको मिल जाता है और ये जो है 14 इंच की आप लोग को HD डिस्प्ले मिलती है। फुल HD डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे HD डिस्प्ले ही मिलते हैं। यहाँ पे गलती से लिखा गया है कि फुल HD डिस्प्ले है बट यहाँ पे आप रैम वगैरह को अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB तक, ये चीज़ सही है। तो ये लैपटॉप एक अच्छा लैपटॉप है टू पिक। तो अगर आप लोग कोई अच्छा एक लैपटॉप ढूंढ लेते हैं जो 30,000 में मिले और अच्छे ब्रांड से हो तो Acer का ये वाला लैपटॉप देख सकते हो, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो लैपटॉप है वह Asus की तरफ से Asus VivoBook 14 जो कि आता है यहाँ पे Ryzen 3 3250U के साथ। यहाँ पर 8GB और 256GB का SSD मिलता है। विंडोज 10 है, विंडोज 11 में आसानी से अपग्रेड कर सकते हो। एडिशनल आप लोग रैम वगैरह को अपग्रेड करना है वो भी आप आसानी से कर पाओगे। प्राइस ग्राफ देख लो तो प्राइस ग्राफ में देखो इसका प्राइस जो है लगभग 31,990 ये था और बीच में ये एक दिन फट से जो है 27,000 के आसपास गया था। तो ये आप लोग देख सकते हो, अगर लेना है तो आप आसानी से ये चूज कर सकते हो। ये 14 इंच का वर्जन है, अगर आप लोग को 15 इंच लेना है तो सेम प्राइस में आपको मिलेगा बट HD वर्जन ही देखने को मिलता है और ये जो है दोस्तों फुल HD का वर्जन है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये वाला आपको चूज करना चाहिए अगर आप लोग लेना चाहते हो Asus की तरफ से कोई लैपटॉप। नेक्स्ट आता है Honor MagicBook X15। ये जो है ना ये डिस्प्ले फैंटास्टिक है, इसके अंदर जो डिस्प्ले है बहुत ही अमेजिंग सा डिस्प्ले आपको मिलेगा। 65W की चार्जर मिल जाएगी, प्रीमियम एल्यूमिनियम बॉडी है, साथ ही 2-in-1 की फिंगरप्रिंट रीडर और यहाँ पे 8GB की रैम वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसका प्राइस दोस्तों 31,990 है तो इसका प्राइस ऑन एन एवरेज जो है 33,000 के आसपास रहता है। तो कुछ दिनों से ये जो है ना 31,990 आ गया, जब से ये प्राइम अर्ली डेल्स में आ चुका था तब से जो है इसका प्राइस बहुत सही हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और एक लैपटॉप है जो कि 32,990 रुपीज़ में है और यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के अंडर 30,000 आप आसानी से इसको जो है बाय कर सकोगे। तो ये जो है ना बहुत बढ़िया एक लैपटॉप है जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड का प्रोसेसर आप लोग को दे देता है। राइजन 5300U 8GB रैम मिलता है और 256GB की SSD है। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। यहाँ पे IPS डिस्प्ले नहीं है, ये जैसे आप लोग ध्यान रखना, बट यहाँ पे डिस्प्ले आपको डिसेंट सा मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हो इसका प्राइस बहुत सही दिया गया है, यहाँ पे 3250U से तो बहुत बेटर है। तो ये 5300U वाला ही आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग कार्ड डिस्काउंट लगा के 30,000 में मिल रहा है ना तो यही लेना है आपको, इसमें जो है आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा जितने भी लैपटॉप मैंने पहले आपको बताया उनमें से। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वह Asus की तरफ से Asus VivoBook 15, ये भी आता है दोस्तों Ryzen 3 3250U के साथ। 8GB की आप लोग को यहाँ पर रैम मिलती है, 512GB की NVMe SSD मिल जाती है, विंडोज 11, MS Office सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये एक अच्छा लैपटॉप है जिसके साथ आपको जाना है तो जा सकते हो बट यहाँ पे जो प्रोसेसर है प्रोसेसर थोड़ा वीकर साइड में है, यहाँ पे 2 कोर और जो है ना 4 थ्रेड्स ही देखने को मिलती है बट Ryzen 5 5300U में आपको जो है अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जहाँ पे 4 कोर्स आपको मिलती है। तो ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये 15 इंच में बहुत बढ़िया एक डिवाइस है जो आप चूज कर सकते हो फॉर डे टू डे टास्क, स्टडी पर्पस या फिर ऑफिस यूज के लिए बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट जो लैपटॉप है ये सबसे बेस्ट लैपटॉप है अभी के टाइम में, अगर इंटेल का लैपटॉप लेना चाहते हो तो बहुत सारी लैपटॉप्स है जो आप कंफ्यूज हो सकते हो बट यहाँ पर जो लैपटॉप मैंने चूज किया इसका प्रोसेसर जो है 1125G4। अगर कोई भी लैपटॉप i3 का लेना चाहते हो तो ये वाला ज़रूर देखना, 1125G4 का प्रोसेसर ही आपको लेना है जहाँ पे 4 कोर और 8 थ्रेड आपको मिलती है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देगा, IPS डिस्प्ले भी आपको मिलती है, बैकलेट कीबोर्ड भी मिलती है। तो अंडर 40,000 अगर आपको बजट था तो ये लैपटॉप देख सकते हो फ्रॉम इंटेल। तो अगर मैं बात करूँ AMD की तो AMD का जो वर्जन है ये सेम आपको सारे फीचर्स दे देता है और बहुत ही बेहतरीन ये भी काम करता है। यहाँ पर भी 4 कोर और 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाएगी आपको, तो ये आपको बहुत सही प्राइस में देखने को मिल रहा है। 37,000 कार्ड डिस्काउंट लगा के अंडर 35 में भी ये लैपटॉप आप ग्रैब कर सकते हो, तो बढ़िया डील है। अगर आप लोग को लाइट वेट
लैपटॉप चाहिए था अंडर 40,000, तो ये ग्रैब कर लो। और यहाँ पे एडिशनल रैम वगैरह भी अपग्रेड कर सकते हो, तो अपग्रेड कर लेना रैम को और मज़ा ले सकते हो। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है रेडमी की तरफ से रेडमी बुक प्रो। ये आता है दोस्तों इंटेल i5 11 जनरेशन के 8 सीरीज टाइगर लेक सीपीयू के साथ। तो फास्ट परफॉर्मेंस आप लोग को सीपीयू मिल जाएगा, 15.6 इंच की आप लोग को फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, 8GB की रैम है, 512GB की SSD आपको मिल जाएगी और MS ऑफिस इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो अच्छा लैपटॉप है, आप बाई कर सकते हो। 40,000 इसका प्राइस अभी के टाइम में है। तो यहाँ पे अगर प्राइस ग्राफ देखते हो तो प्राइस ग्राफ देखो, इसका प्राइस लगभग 45 के आसपास रहता था और ये 40,000 में बहुत दिनों से है। 7 जुलाई से इसका प्राइस जो है 40,000 हो गया था एंड देन इंक्रीज होके 42,990 था एंड देन अभी फिर से जो है 40,000 में आपको देखने को मिल रहा है और कार्ड डिस्काउंट लगा के और भी डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है उतना ज़्यादा आप लोगों को स्टडी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मेटेलिक फिनिश है बट यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर लेना है तो ले सकते हो। i5 एक लौता लैपटॉप है जो आप लोग को 40,000 के अंदर i5 दे रहा है, वो भी 11 जनरेशन 8 सीरीज की। उसके बाद नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है Asus की तरफ से Asus VivoBook 15 2022 का एडिशन। ये दोस्तों आता है कोर i3 1220p के साथ जो कि एक 10 कोर का CPU है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो ये दोस्तों 4.4 GHz तक की आप लोग को बूस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। 8GB की रैम है 4x2 कॉन्फ़िगरेशन की, 4GB ऑन बोर्ड है और 4GB आप लोग जो है एक सोडियम के अंदर है उसको निकाल के रिप्लेस करके और अपग्रेड करना है कर सकते हो। 512GB की SSD है, इंटेल i3 की ग्राफिक्स मिलती है, फिंगरप्रिंट रीडर आप लोग को यहाँ पर मिलती है, विंडोज 11 और ऑफिस दोनों चीज़ें मिल जाएगी, 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल की डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले भी आप लोग को यहाँ पर डिसेंट मिलती है, 45% NTSC ही है बट यहाँ पर 45,000 में एक अच्छा डील है और यहाँ पे और भी एडिशनल आप लोग डिस्काउंट वगैरह लगा के अंडर 41,000 या फिर 42,000 ये ग्रैब कर सकते हो। तो बढ़िया डील है, इसको अगर आप लोग ऑफिस के लिए यूज करना चाहते हो, नॉर्मल टास्क के लिए आसानी से ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको बजट 45 के आसपास है, और एक लैपटॉप है जो कि आता है राइजन 5 5500U के साथ और ये वाला लैपटॉप 250,000 के आसपास रहता था। ये IPS डिस्प्ले के साथ आता है, 8GB रैम, 512GB की SSD है, बैकलिट कीबोर्ड है, MS ऑफिस है, HP की तरफ से है तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इसका मैंने रिव्यू करके रखा था ऑलरेडी, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस 45,990 रखा गया है। तो यहाँ पे प्राइस ग्राफ देख लो तो इसका प्राइस बहुत दिनों से जो है 47,000 था, तो अभी जो है डायरेक्टली आके ये 46,000 में आपको देखने को मिल रहा है। तो लेना चाहते हो तो ये लैपटॉप ले सकते हो, बढ़िया लैपटॉप है, 6 कोर 12 थ्रेड का यहाँ पे CPU आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आता है MSI की तरफ से MSI मॉडर्न 14। ये भी दोस्तों राइजन 5 5500U के साथ आता है, IPS डिस्प्ले है, 14 इंच की पैनल के साथ आती है। इसका प्राइस देखो यार बहुत ही बढ़िया, 41,000 के आसपास यहाँ पे आपको प्राइसिंग दी गई है। तो यहाँ पे प्राइस ग्राफ देख लो, तो प्राइस ग्राफ देखते हो तो यहाँ पे इसका प्राइस लगभग 43,500 शो कर रहा है लास्ट प्राइस। तो अभी देखो ये डायरेक्टली 41,490 में है और साथ ही साथ यहाँ पे और भी आप लोग का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगी। तो अंडर 40,000 ये लैपटॉप ग्रैब कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, बहुत ही बढ़िया फीचर के साथ आता है, 6 कोर 12 थ्रेड कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। तो 40,000 में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है टू पिक। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है लेनोवो की दोस्तों IdeaPad 3। ये भी दोस्तों राइजन 5 5500U के साथ आता है बट इसका प्राइस 45,000 के आसपास है और ये दोस्तों फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे कोई भी आप लोग को IPS डिस्प्ले नहीं मिलता है, बैकलाइट कीबोर्ड है, 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो ये 45,000 में मिल रहा है और इसकी अगर प्राइस ग्राफ देखते हैं तो प्राइस ग्राफ देखो ये लगभग आप लोग को 45 के आसपास ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उतनी प्राइस डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिली इस वाले लैपटॉप के अंदर। ये लैपटॉप मैंने गेमिंग लैपटॉप में ऐड करना भूल गया था तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये जो लैपटॉप है MSI गेमिंग GF63, ये बढ़िया लैपटॉप है। i5 की 10 5000H प्रोसेसर जो है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है और यहाँ पे 60Hz का पैनल आपको मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे नॉर्मल टास्क करते हो, उतना ज़्यादा हाई FPS गेम्स वगैरह नहीं खेलते हो तो 60Hz पैनल इज एनफ। तो 49,990 उससे भी कम में ये मिलेगा तो ये लैपटॉप ले सकते हो। 8GB की रैम है, अपग्रेड कर सकते हो और यहाँ पे कॉम्बो स्टोरेज आपको मिलती है 1TB HDD और जो है 256GB NVMe SSD, तो फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिल ही जाएगा। तो बढ़िया एक लैपटॉप है अंडर 50,000, ठीक है। तो अगर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते थे, 60Hz इज एनफ फॉर यू, देन ये लैपटॉप देख सकते हो, एडिटिंग वगैरह भी आसानी से संभाल लेगा। अगला जो लैपटॉप है वह Asus की तरफ से Asus VivoBook 15 जो कि आता है i5 1240p के साथ, 8GB का वर्जन है। इसका प्राइस 55,990 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसकी प्राइस ग्राफ तो देखो ये 58,000 के आसपास था, ये डायरेक्टली ड्रॉप होके अभी 56,000 में आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को एडिशनल कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा और यहाँ पे
ये वाला लैपटॉप लेते हो तो ये भी मैंने रिव्यू करके रखा था, तो इसका एक फ्लॉ है कि अगर यहाँ पे आप 8GB यूज़ करते हो तो इंटेल आईरिस एक्सी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, डुअल चैनल करना होगा, 16GB कर लो परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, इसका मैंने रिव्यू बना के रखा है, दोनों वीडियो जाके देखना बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 5। अगर आप लोग को एक हल्का लैपटॉप चाहिए था कभी कभार गेमिंग करना है बट गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है तो RTX 2050 की जो ये लैपटॉप है विथ i5 1240p ले सकते हो, 8GB की रैम है तो 16GB करवा लो और एंजॉय करो। ये वाला जो लैपटॉप है अभी अच्छी प्राइसिंग में आपको मिल रही है, इसका प्राइस देखो 62,990 में था और अभी डायरेक्टली जाके ये 60,000 में आपको मिल रहा है, 3,000 रुपये फ्लैट यहाँ पे डिस्काउंट है जो कि प्राइम सेविंग्स है। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको और भी डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हो तो कार्ड डिस्काउंट लगाओ और ये अराउंड 58,000 के आसपास आप इसको ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है MI की तरफ से, MI नोटबुक अल्ट्रा 3.2K रेजोल्यूशन वाली i5 11300H प्रोसेसर वाली और यहाँ पर 16GB की रैम, 512GB SSD और इंटेल आईरिस एक्सी ग्राफिक्स है और बैकलिट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट सेंसर सब कुछ मिल जाएगी। तो इसका प्राइस 57,990 रखा गया है, प्राइस ग्राफ देख लेते हैं तो यहाँ पे 57,990 बहुत दिनों से है, उससे पहले ये 60,000 के आसपास था एंड देन 58,000 के आसपास पहले भी था, तो यहाँ पे जो है ना आपको सिमिलर प्राइसिंग में ही देखने को मिलती है। बट अच्छा लैपटॉप है अगर आप लोग ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हो, आपको प्रेजेंटेशन वगैरह करना है या फिर आपको जो है कलर रिलेटेड काम करना है ना फोटोशॉप के अंदर, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होने वाला है अंडर 60,000। तो देख सकते हो ये लैपटॉप, अगर लेना है तो ले सकते हो बट अलग ऑप्शंस भी है जिनसे आप चूज़ करना है वो भी कर सकते हो। जो है ये सबसे बढ़िया लैपटॉप है, 55,000 आपका बजट है देन जस्ट ग्रैब दिस लैपटॉप। 16-inch का लैपटॉप आप लोग को मिल रहा है, यहाँ पे WXGA डिस्प्ले मिलती है और ये जो है ना बढ़िया एक लैपटॉप है, Ryzen 5 5600H एक बहुत बेहतरीन गेमिंग ग्रेड की CPU है जो कि 8 सीरीज है, हाई परफॉर्मेंस CPU है और यहाँ पे 8GB की रैम, 512GB की SSD मिलती है, इंटीग्रेटेड यहाँ पे ग्राफिक्स आपको मिलेगी, विंडोज 11 और ऑफिस दोनों चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है और 1.8K के आसपास है, साथ साथ यहाँ पे बैकलेट कीबोर्ड भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जो है ना बहुत बढ़िया एक लैपटॉप है जिसको मैं 100% कंसिडर करता हूँ, 55K बजट है जस्ट ग्रैब दिस लैपटॉप। उसके बाद जो है और एक लैपटॉप है जो है HP 15SFQ5010TU, ये दोस्तों आता है i5 की 12th जनरेशन के साथ, फुल HD की डिस्प्ले है, यहाँ पे आप लोग को जो है एक बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आप लोग को मिल जाएगी, विंडोज 11 के साथ आता है, तो एक बढ़िया डील है अंडर 50,990। तो ये एक नया लैपटॉप है तो आप ये जो है बाई ज़रूर कर लेना अगर आपको नया लैपटॉप चाहिए था और आपको बजट 55,000 के आसपास है, HP की तरफ से चाहिए था तो ये देख सकते हो। इसका और वर्जन आता है जो कि विदाउट बैकलिट है, वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये दो आप लोग इग्नोर कर सकते हो, आपको लेना है तो ये ही वाला वर्जन लेना जो आता है विद बैकलिट एंड i5 12th जनरेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे HP की तरफ से HP 14S Ryzen 7 5700U का लैपटॉप है जो कि आता है 8GB रैम, 512GB SSD के साथ और यहाँ पे आप लोग को बैकलिट कीबोर्ड वगैरह मिल जाएगी, MS Office वगैरह मिल जाएगी, तो ये आपको अराउंड 58,600 अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस ग्राफ देखूँ तो प्राइस ग्राफ में ये 57,000 के आसपास पहले दिखा रहा था तो अभी थोड़ा प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ चुका है, तो इस वाले लैपटॉप को आप इग्नोर कर सकते हो, ये डील में आने वाला था बट अभी हमें देखने को नहीं मिलता है ऑन डील। दोस्तों नेक्स्ट जो लैपटॉप है वह Acer Swift 3, ये एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, अगर आपका बजट 66-65,000 के आसपास था ना तो ये लैपटॉप ज़रूर एक बार देखना। यहाँ पे जो है ना आपको i5 की 1240p तो मिलती है, बढ़िया एक प्रोसेसर है, जहाँ पे आप लोगों को डुअल चैनल कॉन्फ़िगर करना होगा तो आप मज़ा उठा सकते हो, MS Office, विंडोज 11 मिल जाती है, 8GB 512GB का यहाँ पे स्टोरेज है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलाइट कीबोर्ड है और ये 14-inch की फुल जो है ना IPS डिस्प्ले है, फुल IPS मतलब ये 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है और ये QHD IPS डिस्प्ले है और यहाँ पे आप लोग को 100% sRGB आप लोगों को कलर गैमट देखने को मिलती है जिसकी मदद से आप लोग कोई भी कलर एक्यूरेट काम करते हो तो आपको मज़ा ही आ जाएगा ये लैपटॉप यूज़ करते वक्त। और वेट देखो यार 1.2 kg के आसपास, तो बहुत सही लैपटॉप है जिसको आप लोग को ग्रैब करना चाहिए। प्राइस ग्राफ झांक लेते हैं तो इसका प्राइस लगभग 69,990 था, उसके बाद 74,000 हुआ,
बेसिकली ये 70,000 के प्राइस रेंज में आता है, तो अभी ये डायरेक्टली जो है आपको जो 66,990 में मिल रहा है, तो बढ़िया प्राइसिंग में ये वाला अभी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बहुत सही लैपटॉप है, अगर आपको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ एक बहुत ही पावरफुल सीपीयू होना चाहिए, शायद ओलेड डिस्प्ले चाहिए था, रैम भी 16 GB का हो, तो ये बढ़िया लैपटॉप है। यहाँ पे एसुस की तरफ से एसुस व्यूबुक प्रो 14 ओलेड, जहाँ पे 14 इंच की 2.8 के ओलेड डिस्प्ले मिलती है, 16:10 की एस्पेक्ट रेशियो है और 90Hz का पैनल है और राइजन 7 5800H आप लोगों 8-core 16-thread प्रोवाइड करता है, 16 GB RAM 512 GB की SSD है और बहुत ही हल्का है। देखो यार 1.4 kg के आसपास इसकी वेट है, ये अराउंड 70,000 आपको मिल रहा है और यहाँ पे प्राइस ग्राफ देख लो आप, ये जो है ना पहले से ही 70,000 में था, तो अभी सिर्फ और सिर्फ कार्ड डिस्काउंट लगा के इसको बाय कर सकते। तो 70,000 आपका बजट है, तो मैं हमेशा बहुत लोगों को ये रेकमेंड कर चुका हूँ ये लो, क्योंकि यहाँ पे 8 सीरीज का प्रोसेसर है, गेमिंग ग्रेड का प्रोसेसर है, तो आपको जो है रॉ CPU परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन एक लैपटॉप है जो आपको बाय करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले मिलता है, तो एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना है या फिर आपको कुछ भी कलर एक्यूरेट काम करना है तो उसके लिए तो बहुत सही है। नेक्स्ट जो लैपटॉप है लेनोवो की तरफ से लेनोवो आइडियापैड 5 प्रो, ये जो है ना बढ़िया एक प्रोसेसर के साथ आता है, अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही बढ़िया QHD 14 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये और भी सही है, 16 GB का यहाँ पे रैम है, 1 TB की SSD मिलती है, बैकलेट कीबोर्ड है, MS ऑफिस भी मिलती है और लाइट वेट है यार 1.38 kg के आसपास की वेट है, तो ये आप देख सकते हो 1 TB का वर्जन जो है 71,890 दिया गया है। अभी प्राइस ग्राफ देखो तो इसका प्राइस दोस्तों वैसा ही था 71,000 के आसपास ही ज़्यादातर, तो अगर आप लोग ये बाय करना चाहते हो तो देख सकते हो ये वाला लैपटॉप भी अच्छा है और ये वाला लैपटॉप सबसे बढ़िया है। 90Hz की स्मूथ आप लोग को डिस्प्ले के साथ आई ओलेड डिस्प्ले आपको मिलेगी, तो ये आप चूज़ कर सकते हो, आप इसको इग्नोर करके ये वाला चूज़ करो, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद जो है HP की तरफ से HP Pavilion Aero भी एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, जहाँ पे WXGA लैपटॉप आपको मिल जाती है, 1 TB की SSD है, 400 nit की यहाँ पे एंटी ग्लेयर पैनल मिलती है, ये भी दोस्तों एक बढ़िया SRG वाली लैपटॉप है जो कि आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलेट कीबोर्ड, फास्ट चार्ज सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे है और बहुत ही लाइट वेट है, अंडर 1 kg, जो कि बहुत ही क्लासी यहाँ पे आप लोग को एक फील देने वाला है और बहुत ही पतला यहाँ पे आप लोग को लैपटॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं प्राइस ग्राफ देखूँ तो यहाँ पे 79,400 के आसपास होता है, तो अभी 1,000 rupees आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को ऑलरेडी मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे और भी डिस्काउंट लगा के और भी कम कीमत में ये बाइक कर सकते हो। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वह एसुस की तरफ से एसुस व्यूबुक S15 OLED 2022 का वर्जन, जहाँ पे फुल HD आप लोग को OLED पैनल देखने को यहाँ पे मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटेल का लैपटॉप है ये i5 के 12 500H प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है और यहाँ पे आपको 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, Iris Xe की ग्राफिक्स सपोर्ट, अलॉन्ग विद दैट विंडोज 11 और MS ऑफिस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो इसका प्राइस दोस्तों 70,000 रखा गया है। और यहाँ पे अलग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बैकलाइट देखने को मिल जाती है, 100% DCI-P3 कलर गैमट है इसकी स्क्रीन की, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो आपको बैटरी है वो 70 Wh की बैटरी मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड सब कुछ देखने को बहुत सही मिलता है और टॉप लिड जो है यहाँ पे मेटेलिक डिज़ाइन के साथ आता है। इसके प्राइस ग्राफ देखें तो ये दोस्तों लगभग 74,900 के आसपास इसका प्राइस था, अभी डायरेक्टली ड्रॉप होके ये अंडर 70,000 आपको मिल रहा है, तो बढ़िया एक डील है, इसको आप लोग को ग्रैब करना है तो कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे महंगे लैपटॉप्स की बात करें क्या क्या सेल में आया था, तो एक डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा था अर्ली प्री बुकिंग डील्स, वो जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स है जो रिसेंटली लॉन्च हुए और महंगा लैपटॉप है, अगर आपको इससे भी महंगा लैपटॉप चाहिए था तो वो वाला वीडियो देख लो, मैं यहाँ पे बेकार बताना नहीं चाहता, तो वो देख सकते हो, वहाँ पे आपको महंगे और नए लैपटॉप्स वहाँ पे देखने को मिलेगी, ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ पे नहीं है बट कार्ड डिस्काउंट लगा के वो सारे अवेल करना है तो आप कर सकते हो। आई होप जितने भी लैपटॉप मैंने सजेस्ट किए कोई ना कोई लैपटॉप आपके लिए सुइटेबल मिल गया होगा, तो अगर मिल गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा लैपटॉप आपने खरीदा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करना, वहां पे सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय।